नंबर 16 यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे मूविंग अ विंडो। एक विंडो को कैसे मूव किया जाता है। टू मूव अ विंडो फॉलो द गिवन स्टेप। यहाँ पे कुछ स्टेप दिए गए हैं। स्टेप वन, क्लिक ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो और मेन्यू अपीयर। यानी कि हमें लेफ्ट साइड में एक विंडो दी जाएगी, उसे हमें सिंपली क्लिक करना है तो हमारे पास एक मेन्यू आ जाएगा। स्टेप टू, क्लिक द मूव ऑप्शन। नाउ मूव द विंडो टू द डिजायर लोकेशन यूजिंग द एरो की एंड प्रेस द एंटर की टू फिनिश द मूविंग प्रोसेस। यानी कि हमें यहाँ पे आप देख सकते हो आपके बाजू में यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ठीक है। जैसे हमने क्लिक किया तो हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहा है, रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज। हमें इसमें सिंपली मूव का ऑप्शन को क्लिक करना है और हमें एंटर की को प्रेस करना है। यू कैन ऑल्सो मूव अ विंडो बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द टाइटल बार एंड ड्रैगिंग इट टू द डिजायर लोकेशन। यानी कि हम अगर ऐसे हमें नहीं करना हो तो उसे हम क्या कर सकते हैं, माउस की हेल्प से यहाँ पे पकड़ कर हमें यहाँ पे डायरेक्टली हम उस लोकेशन में से डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक विंडो को एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जा सकते हैं। सेकेंड हमें यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट टॉपिक रीसाइजिंग अ विंडो। रीसाइजिंग यानी कि हमें अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग छोटा करना हो, बड़ा करना हो, तो वो भी हम कर सकते हैं। टू रीसाइज अ विंडो फॉलो द गिवन स्टेप। यहाँ पे हमें कुछ स्टेप दिए गए। स्टेप वन, क्लिक ऑन द लेफ्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो एंड मेन्यू अपीयर। जैसे कि हम देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर हमें इसे क्लिक करना हो तो हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। इसी के साथ हमें जहाँ पर हमने रिस्टोर मूव का ऑप्शन था उसी के नीचे दिखाई दे रहा है, हमें साइज का ऑप्शन दिया हुआ है। क्लिक द साइज ऑप्शन, न्यू रीसाइज द विंडो टू द डिजायर साइज एंड यूजिंग द एरो की एंड देन प्रेस द एंटर की टू द फिनिश। यानी कि हमें यहाँ पे सिंपली क्लिक करना हो और जहाँ पे हमें करना हो जिस अकॉर्डिंग उसे हमें सिंपली यहाँ पे एंटर की को प्रेस करेंगे तो जैसे हमें रिसाइज चाहिए वैसे हो जाएगा। एक और तरीका है इसको रिसाइज करने का। यू कैन ऑल्सो रिसाइज द विंडो बाय ब्रिंगिंग द माउस पॉइंटर टू द वन ऑफ द फोर्थ बॉर्डर ऑफ द विंडो एंड ड्रैगिंग इट टू द डिजायर एंगल। यानी कि यहाँ पे हम डिजायर साइज में अगर इसे करना हो तो हमें इसे सिंपली माउस की मदद से हमें इसे सिंपली क्लिक करके और जब तक क्लिक नहीं छोड़ना जब तक हमें इसे लेकर जाते हैं तो हमें जैसे फ्री साइज हो जाता है तुरंत हमें माउस को छोड़ देना है। यानी कि माउस पर जो फिंगर हमने पॉइंट किया उसे छोड़ देनी है तो भी ये चीज़ रिसाइज यानी कि हमारी विंडो जो है वो रिसाइज हो जाएगी। टॉपिक डिस्प्लेइंग विंडो साइड बाय साइड। यानी कि दो तरीके की विंडो है वो हमें स्क्रीन पे एक ही साथ अगर देखनी हो साइड बाय साइड तो हम कैसे देखेंगे। डिस्प्ले विंडो साइड बाय साइड, ओपन टू और मोर एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड देन राइट क्लिक ऑन द टास्क बार, सिलेक्ट शो विंडो साइड बाय साइड ऑप्शन। जैसे कि हमें यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। एक हमारे पास वर्ड की फाइल है, दूसरी यहाँ पे पास जो बॉक्स में हमें दी गई है वो हमारी एक्सेल की फाइल है। दोनों फाइल को हमें एक ही साथ डेस्कटॉप पे देखना हो, अगर कोई तीसरी फाइल भी देखनी हो तो भी हम इसे देख सकते हैं, ठीक है। दोनों फाइल्स को खोलने के बाद हमें एक ऑप्शन यहाँ पे शो होगा, हम राइट क्लिक यहाँ पे करेंगे तो हमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक लिस्ट दी गई है। उस लिस्ट में से हमारे पास फोर्थ नंबर का ऑप्शन है शो विंडो साइड बाय साइड। जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे जो विंडो है वो एक ही साथ दिखाई देगी, ठीक है। हमें इसमें काम करना हो, दूसरे विंडो में काम करना हो तो हम एक ही साथ में एक ही बार में काम कर सकते हैं।